तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जेन टेक के साथ। यस, जेन टेक की बात करें तो ड्रोन वाली ये कंपनी है। डिफेंस में भी बहुत सारे इंसुलेटर से रिलेटेड बहुत सारे इनका बिजनेस रहता है, बट यस ड्रोन में अच्छा कर सकता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो करके, एंड तब से लेके अभी तक कंपनी ने कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं, एंड वो जो सिलसिला है वो अभी तक यहाँ पे बरकरार है। आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, गोवा गवर्नमेंट के साथ इनका हम लोग को MOU साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली कंपनी, मतलब एक बार अगर आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए ना, तो उसके बाद आपको मतलब बोलते हैं ना, अच्छी खबरों की बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले 21 नवंबर की अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा 42 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला था। तो एक बार ऑर्डर अगर स्टार्ट हो गए तो यस, आपका ऑर्डर बुक बढ़ जाता है, प्लस उसी के साथ साथ आपको नए क्लाइंट्स ऑब्टेन करने के लिए भी यहाँ पे जो पुराने क्लाइंट्स रहते हैं, ऑर्डर बुक रहता है, उसकी भी मदद यहाँ पे मिल जाती है। तो जेन टेक तो अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, ड्रोन सेक्टर में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए छोटी कंपनी के लिए, वो जेन टेक में हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी काफी छोटी है, 1996 में इनका शुरुआत यहाँ पे हुआ था, बट जो बिजनेस है वो अभी इन कंपनीज को हम लोगों को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो देखा गया तो ये 6000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। हम लोगों ने देखा था ये 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं थी ये कंपनी, ठीक है। अगर आपको देखना है पुराना वीडियो तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दे देता हूँ, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट हाँ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई बिजनेस के हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो जहाँ पे स्कोप नजर आता है। एंड ये रिस्की कंपनी होती है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक ही ज्यादा देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ना के बराबर। अभी तो 4-5% अच्छा लग रहा है क्योंकि धीमे धीमे करके FIs एंटर यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पेटीएम, यस पेटीएम का जो लगातार का प्रॉब्लम रहता है कि शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज होते रहते हैं एंड चेंज इन हैंड्स की बात करें तो आज के दिन भी पेटीएम इसी चीज के चलते गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला 4-5%। सो 2.5% के आसपास हम लोगों को जो शेयर्स है वो एक्सचेंज होते हुए देखने को मिले हैं। आप चाहो तो बोल सकते हो 1.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इसकी वर्थ की अगर हम लोग बात करें 1440 करोड़ के आसपास हम लोग को ये ब्लॉक डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो यूजुअली चीजें हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर कभी कभी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो KPIT टेक के बारे में, यस KPIT टेक की बात करें तो लगातार कोटक की रिपोर्ट के बाद गिरावट ही देखने को मिली थी, उसके बाद पहली बार अभी जाके आज के दिन 2.5% की तेजी इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। सो KPIT टेक की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो फैंटास्टिक है, कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ ऐसी कोई भी कोई रिपोर्टिंग की बात यहाँ पे नहीं की है। सिर्फ एक ही उनका कहना है कि जो ये स्टॉक भागा है ये 950 के आसपास होना चाहिए, उसके बाद ये भागा है, अननेसेसरीली भागा है, ये कोटक का कहना है। सो क्या उसके बाद ये और नीचे आएगा ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, मतलब 42% के आसपास की गिरावट होगी, ये प्रेडिक्शन उन्होंने यहाँ पे किया है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद तो कितना यहाँ पे लगभग गिरते हुए देखने को मिला था, 12-13% तो यूजुअली गिरा था, ठीक है। तो अभी और क्या फर्दर गिरावट होगी ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो स्पिनर्स वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता है टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो रॉ मटेरियल में ये कंपनियां काम करती है, एंड अगर आप देख सकते हैं स्पिनर वाली कंपनियां महीने भर में 30-30%, वर्धमान टेक्सटाइल महीने भर में 20-21%, अंबिका कॉटन की बात करें तो 10-11% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। बिकॉज मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक अपडेट आपको दिया था कि बांग्लादेश ये एक ऐसा कंट्री है जो कि टेक्सटाइल सेगमेंट में बहुत आगे है, एंड वहाँ पे फिलहाल हम लोग को टेक्सटाइल में स्ट्राइक गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया है कि वहाँ से जो टेक्सटाइल का बिजनेस होता था, ठीक है, वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब चीज़ें यहाँ पे कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल रहता है उसका दाम यहाँ पे बढ़ेगा, एंड ये जो कंपनियाँ हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे कि इनके आने वाले नंबर्स में उसका हम लोगों को फायदा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट इसी चीज़ के चलते नुकसान किसका होगा, ट्राइडेंट जैसी कंपनी जो इस रॉ मटेरियल के चलते यहाँ पे क्या करते हैं, फिनिश गुड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, तो इसी चीज़ के चलते ट्राइडेंट आप देख सकते हो लगातार हम लोग को धीमे धीमे करके पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि इस वक्त के इसके Q2 के नंबर थे वो ठीक ही थे, बट एटलीस्ट लास्ट टाइम जितने नंबर देखने को मिले थे उसके मुताबिक तो अच्छे थे, एंड मार्केट ने भी इसको यहाँ पे गैप अप के साथ थम्स अप यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस IEX की बात करें, मार्केट कपलिंग से रिलेटेड कल के दिन तो मैंने डिटेल में वीडियो यहाँ पे बनाया था, आपको पता ही है। तो यही खबर के चलते IEX में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली थी, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं उसी लेवल पे धीमे धीमे करके रिकवर हो रहा है, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है 2% के आसपास, बट यस अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। वैसे भी देखा गया तो ये ऑफिशियल अनाउंस होगा या नहीं होगा वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये खबर ऑफिशियली भी आई नहीं थी, ये तो जस्ट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने तो बस डायरेक्शन दिया था CERC को कि मार्केट कपलिंग से रिलेटेड देखो होता है कि नहीं, स्टेक होल्डर से उन्होंने सुझाव मांगे थे, तो सुझाव तो हम लोगों ने देख लिया, 122 में से 88 ने तो भाई
ही बोल दिया कि ऐसा कुछ करो मत, इसके बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ही देखने को आप मिल रहे हैं। एंड अगर ये अगर कल चीजें अगर मार्केट कपलिंग जैसी चीजें अगर हो जाती है तो IEX जो प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज है वो बाय डिफॉल्ट इसका चला जाएगा। एंड बाकी के जो एक्सचेंजेस है जस्ट बीडिंग के लिए जैसे बचते हैं वैसे IEX भी जस्ट बीडिंग के लिए बचेगा। एंड जो प्राइस डिस्कवरी का जो मेजर पोर्शन है वो सुपर एक्सचेंज लेकर चला जाएगा जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल वाली बात होगी। बट ये सारी चीजें हैं फिलहाल, तो इसको यहाँ पे स्टेक होल्डर ने तो खारिज किया है, ठीक है, ये तो पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होता है ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो, यस, इससे रिलेटेड भी काफी सवाल आते रहते हैं सर क्या हम लोग विप्रो से निकल जाए, तो देखिए दोस्तों ऐसे हम रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते, बट एक सिखाने के हिसाब से मैंने बहुत बार आपको ये बात बोली है कि आपने भाई किसी चीज को खरीदा क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए शेयर को कोई भी आप में ABCD कोई भी व्यक्ति हो जो भी इन्वेस्टर खरीदता है एक ही चीज के लिए खरीदता है कि भाई वो कल भाग के हमें रिटर्न्स दे दे करके, ठीक है। बट उसमें भी प्रकार होते हैं कि आपको कितने क्विक रिटर्न्स चाहिए या फिर 4 साल में रिटर्न चाहिए, 5 साल में रिटर्न चाहिए। अभी हर कोई बोलेगा कि भाई मुझे क्विक रिटर्न्स चाहिए, बट क्विक रिटर्न्स वाली कंपनियां भी ज्यादा रिस्की होती है, वो क्विकली आपका पैसा उड़ा भी सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये सवाल खुद को पूछो, बुरा मत मानना, बट बहुत सारे लोग किसी भी कंपनी में क्यों जाते हैं वो क्यों ही उनका क्लियर नहीं होता है। तो एंट्री वाला क्यों क्लियर नहीं तो एग्जिट वाली भी चीज उनको पता नहीं चलती, फिर स्टॉक नीचे आता है वो पैनिक कर जाते हैं। विप्रो अगर आप मुझे पूछोगे सर कि विप्रो से रिलेटेड आपको क्या लगता है, तो मुझे बस एक ही चीज लगती है कि भाई 5 साल में इन्होंने एवरेज पैसा डबल करके देना चाहिए। ये एक इनका एक एवरेज परफॉर्मेंस रहता है बिकॉज ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ब्लू चिप कंपनी है। ये कोई गारंटी नहीं होती है कि 5 साल में डबल ही दे करके, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट यस ये इनका मेजर पोर्शन वाला काम है, उस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। एंड विप्रो काफी स्लो चलता है ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखा गया तो इन्फोसिस TCS भी उतना ही देते हैं, बट उनके चार्ट पैटर्न कैसे होते पता है, धीमे धीमे करके ऐसे ऊपर तो रहेंगे धीमे धीमे। विप्रो कैसा रहता है, पूरा फ्लैट फिर सडनली एकदम भागेगा एंड फिर वापस नीचे आएगा, नेट रिटर्न्स उतने ही बनते हैं। अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए बीच में सडनली यहाँ पे भाग गया तो रिटर्न्स यहाँ पे हम लोग को अच्छे खासे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। कितने बने थे देखिए 200%, बट ऑब्वियसली हम इतना इसको पकड़ते नहीं क्योंकि नेट रिटर्न्स देखा गया तो 100 ही रहते, वापस स्टॉक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते। कुछ भी एक्सेप्शनली रीजन यहाँ पे मिल जाता है तो वही रीजन के चलते अभी ये वापस नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी देखा गया तो TCS इन्फोसिस भी इसी प्रकार से परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी जैसे मैंने कहा कि चार्ट पैटर्न थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऊपर यहाँ पे रहता है। इसका देखिए फ्लैट जबरदस्त तेजी, फिर नीचे, फिर फ्लैट, कई साल तक फ्लैट ही रहेगा, फिर वापस तेजी आएगा। तो इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई ये कंपनी ऐसे है जो कि आपको 5 साल में एवरेज 100% के रिटर्न जरूर देने की कोशिश करेंगे, बट ये आपका जान खा ले लेंगे, ठीक है। इसमें ये कंपनी आती है, L&T भी आती थी, अल्ट्राटेक सीमेंट भी आता था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, PGHH भी आता था, बजाज होल्डिंग भी आता था, ये सारे कंपनी आप देख सकते हैं 5 साल में डबल भी देते हैं, बजाज ऑटो भी आता है उसमें, ठीक है। बट अल्टीमेटली देखा गया तो बहुत स्लो चल के चलते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इनको स्टडी करना यहाँ पे होता है। कंपनी कोई खराब नहीं होती है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड बहुत सारे लोग विप्रो में इसलिए जाते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने 13 बार बोनस दिया है, जो कि कोई सेंसिबल बात नहीं, पास्ट में 13 बार बोनस दिया, ये थोड़ी ना फ्यूचर की बात है कि आपको बोनस यहाँ पे देंगे करके, ठीक है। एंड अभी तभी ये कंपनी छोटी थी, अभी तो बड़ी बन चुकी है, तो ये पॉइंट भी हमें इन लोगों ने इग्नोर करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो LIC, यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, मतलब आज सूरज कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ पे, कि जैसे कि LIC में 9.5% की तेजी देखने को मिल रही है, मतलब शायद से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि लिस्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम LIC ने इंट्राडे में इतनी बड़ी तेजी दिखाई है, ठीक है। नेट रिटर्न्स देखेंगे तो पिटाई है, ठीक है, इसमें कोई हम लोगों ने ये नहीं होना चाहिए कि खरीदना है करके, मतलब जो भागते हुए ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं वो ऐसे इसमें चढ़ जाते हैं, उनको पता है तेजी देखकर वो खुश हो जाते हैं। सो सबसे पहले भाई LIC भागा क्यों, तो भागने के पीछे का रीजन है कि कंपनी ने कहा है कि भाई वो डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, जो नए प्रीमियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इस चीज के चलते कंपनी का अच्छा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। एंड कंपनी आने वाले समय में 4 से 5 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, उसमें से पहला नया प्रोडक्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। एंड इस चीज के चलते उनको अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिलने वाला है, ये भी पॉइंट LIC ने सामने रखा हुआ है। तो मार्केट को एक खबर अच्छी लगी, तो इसी चीज के चलते थम्सअप भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आज के दिन के इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें, LIC ने पूरा कैमरा अपने और यहाँ पे खींच लिया, बट बाकी भी सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही थी, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन्होंने तो सीधा 20% का सर्किट लगा दिया। एंड GIC की अगर हम लोग बात करें, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी 15 से 16% की तेजी देखने को मिली है। अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, तेजी के चक्कर में नहीं खरीदना होता है शेयर, ये बच्चों वाली बात हो गई, आज नहीं तो कल शेयर तो कभी ना कभी भागेगा ही। अगर इन स्टॉक्स के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे टॉप लेवल से, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड बिजनेस आपको पसंद आना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नीचे जा रहे ऊपर जा रहे करके, अगर आपको बिजनेस ही पसंद नहीं है तो फिर जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अभी इन कंपनीज से रिलेटेड आप लोगों ने एक सावधानी बरतनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड GIC से रिलेटेड, कौन सी, कि इन दोनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 85 है,
मतलब हाँ वो 75 का रेशो अभी तक इन्होंने कंप्लीट किया नहीं है एंड 3 साल भी हो चुके हैं। जीआईसी की भी बात करें, ये जीआईसी है दोनों कंपनी इनका 85% प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मतलब कभी अगर यहाँ पे ओएफएस आ गया तो आप फंस भी सकते हो। ये जस्ट मैं वार्निंग आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, अभी ओएफएस आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं पता है, बट यस ये एक मुद्दा एक बार कोर्ट में भी गया था, किसी ने तो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी कि ये न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी ये दोनों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न 75 के ऊपर है और 3 साल से ज्यादा यहाँ पे हो चुके हैं करके। तो तभी कंपनी ने कोर्ट में बता दिया भाई कोविड चल रहा है करके, तो इसीलिए टाइम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके दो करके, तो इसी चीज के चलते वो मैटर थोड़ा सा रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो वापस ये सारी चीजें सामने आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड मोर इम्पोर्टेंट कि ओएफएस के लिए वो जा तो सकते हैं बट सामने खरीदने वाला भी तो चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है तो माइट भी सरकार इस चीज का फायदा भी यहाँ पे उठा सकता है, अगर चाहे तो वो ओएफएस भी लेकर आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी आप लोगों ने जरूर कंसीडर करना चाहिए, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, पैसा आपका एडिशन आपका होना चाहिए, बट ये वाला एक पॉइंट आप लोगों ने जरूर कंसीडर करना चाहिए। बस यही एक मेरा मुद्दा है जो कि आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जरूर फोकस में रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।